हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि आपको किसी केमिकल कंपाउंड का साधारण नाम दिया रहेगा, यानी सिंपल नाम दिया रहेगा, आपसे उसका केमिकल नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको जो केमिकल नाम है वो दे दिया रहेगा, आपसे उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या केमिकल फॉर्मूला आपको दिया रहेगा तो आपसे साधारण या रासायनिक कैसा भी नाम पूछा जा सकता है। और आपकी हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो इसको बहुत कम टाइम में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए साधारण नमक, ठीक है, तो साधारण नमक को हम बोलते हैं खाने वाला नमक, जो सिंपली हमारी रसोई घर में यूज़ होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो NaCl। इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आपको याद होंगे, तो उन्हें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, आपका रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा सिंपली हमारी रसोई घर में जो सोडा यूज़ होता है वही वाला है, ठीक है। तो ये है आपका, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आपने देखा सोडियम के साथ क्या आया है, हाइड्रोजन, तो इसका नाम आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं धावन सोडा। तो प्यारे बच्चों, धावन सोडा का जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम का कार्बोनेट है लेकिन उसके साथ जल के 10 अणु हैं। तो या तो इसका नाम आपको बुक्स में मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, या फिर मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। डेका का मतलब 10 से है और हाइड्रेट यानी H2O, ठीक है। चलिए आगे प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं हाइड्रोक्साइड की। हाइड्रोक्साइड पे दो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, एक तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड और एक पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल जो नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा, और अगर हम पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड यानी KOH की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कास्टिक पोटास। याद रखना, ऊपर है सोडा, नीचे है पोटास, ठीक है। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कोई ही ऐसा स्टूडेंट होगा जो ना जानता होगा, क्यों? क्योंकि भाई इसका यूज़ हमारा जब मकान बनते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, हम POP करवाते हैं, POP आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, दीवारों पर करवाते हैं। उसके बाद मेडिकल में इसका अच्छा खासा यूज़ है, ठीक है। तो अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, यानी ये क्या है, ये कैल्शियम का सल्फेट है, लेकिन इसमें प्यारे बच्चों कैल्शियम के सल्फेट के साथ जल का आधा अणु होता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले दो तरह से आप लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख लो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, या फिर आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ये जो 2 है आप हाइड्रोजन के पास भेज दो तो ये उधर जाके आधा हो जाएगा, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कैल्शियम का सल्फेट और जल का आधा अणु, ठीक है। चलिए जिप्सम की बात कर लेते हैं। जिप्सम भी आपका कैल्शियम का ही सल्फेट होता है लेकिन इसमें जल के अणु होते हैं 2, तो CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 5 जो नाम दिख रहे हैं ये सारे के सारे सल्फेट हैं किसी न किसी के। तो आगे हम बात करने वाले हैं नीला थोता, जिसे हम कसिस भी बोलते हैं, तो वो आपका कॉपर का सल्फेट होता है, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। यहाँ पर जल के कितने अणु हो जाएंगे, 5। आगे है सफ़ेद थोता, सफ़ेद थोता जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइट, ठीक है, तो या फिर उभरा हुआ थोता, ठीक है। तो इसका जो ये जो सल्फेट है ये है जिंक का सल्फेट, तो ZnSO4 इंटू 7H2O। काफ़ी सारी बुक्स में आपको यहाँ पर जो जल के अणु लिखे हुए हैं वो नहीं भी मिल सकते, और हो सकता है एग्जाम में भी कभी कभी ये जल के अणु नहीं देता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि सफ़ेद थोता किस चीज़ का सल्फेट है, तो ये जिंक का सल्फेट है। आगे बात करते हैं हरा थोता, ठीक है। हरा थोता आपका होता है फेरस का सल्फेट, इसका जो फॉर्मूला है वो है Fe2SO4 का होल थ्राइस इंटू 7H2O। कई जगह आपको डायरेक्टली FeSO4 भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगर आपको ये याद करने में दिक्कत हो तो आपको देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक बात बताता हूँ, यहाँ पर 3 थोते लिखे हुए, नीला सफ़ेद हरा, आपको गूगल पे जाना और लिखना हरा थोता। जब आप हरा थोता लिखोगे तो आप तो वहाँ पे फेरस सल्फेट लिखा हुआ आएगा, तो आपको ये जो फेरस वर्ड है ये हरे के साथ कनेक्ट करके रखना है, यानी फेरस बोलते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, हरा, जिंक बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सफ़ेद, और कॉपर बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए नीला, ठीक है। तो इनमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चलो आगे बात करते हैं सोरा, या फिर इसको हम बोलते हैं नाइटर, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों नाइट्रेट होता है पोटेशियम का, ठीक है। तो पोटेशियम का नाइट्रेट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KNO3। अब
आप जानते हैं मोस्टली जो नाइट्रेट होते हैं वो हमारी खेती में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नाइट्रोजन का बहुत तगड़ा रोल है खेती में, ठीक है, उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। तो सोरे का जो यूज़ है, नाइट्रेट का जो यूज़ है, वो खेती में किया जाता है। तो अभी तो हमने बात की पोटेशियम के नाइट्रेट की, अब हम बात करेंगे सोडियम के नाइट्रेट की। तो सोडियम नाइट्रेट को हम बोलते हैं चिली सोल्टपीटर, ठीक है। चिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चिली देश है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलो, वहाँ पर इसकी खदानें हैं बहुत ज़्यादा। लाफिंग गैस की बात करते हैं, सभी को ये पता होगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो N2O। मेडिकल में इसका बहुत तगड़ा रोल है, मेडिकल के अलावा बाकी यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है ये। आगे बात करते हैं सिंदूर। तो यार सिंदूर के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि सिंदूर का कौन सा फॉर्मूला आएगा, क्योंकि सिंदूर के दो फॉर्मूले होते हैं। तो सिंपली आप याद रखना कि कभी भी सिंदूर के दोनों फॉर्मूले एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। एग्जाम में अलग अलग ही वो पूछेगा। तो सिंदूर का जो पहला फॉर्मूला है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी मरकरी और उसका सल्फाइड, तो HGS, ठीक है। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा है Pb3O4। अब प्यारे बच्चों, इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें फ़र्क होता है कलर का, ठीक है। मोस्टली जो Pb3O4 है उसको हम लाल सिंदूर कह के बुलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं लाल पोटास, या फिर इसको हम लाल दवा भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है लाल दवा का फॉर्मूला बताओ, तो क्या हो जाएगा? KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। चलिए तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही है कि लाल सिंदूर, तो लाल सिंदूर का जो फॉर्मूला है वो है Pb3O4, और ये क्या है? लेड पर ऑक्साइड, ठीक है। लेड पर ऑक्साइड भी याद करना, ठीक है। आगे बात करते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एथिल एल्कोहल। और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो C2H5OH, ठीक है। C2H5OH को हम क्या बोलते हैं? सिंपल नाम में या साधारण नाम में एल्कोहल बोल देते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सिरका की, ठीक है। सिरका अगर इसके हम केमिकल नेम की बात करें तो है एसिटिक एसिड, और फॉर्मूले की बात करें तो CH3COOH, ठीक है। ये सारे तो आपने पहले से पढ़ रखे होंगे मोस्टली। अगर बात करते हैं स्प्रिट की, तो स्प्रिट क्या है? स्प्रिट का रासायनिक नाम है मैथिल एल्कोहल। ऊपर क्या था? एल्कोहल पे ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो जब हमने बात की थी एथिल एल्कोहल की, ये हमने बात की एथिल एल्कोहल की, ये हम बात कर रहे हैं मैथिल एल्कोहल की। तो एथिल एल्कोहल क्या था? एल्कोहल था, और मैथिल एल्कोहल क्या है? स्प्रिट है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH, ठीक है। चलो शुष्क बर्फ की बात करते हैं भाई, जो ड्राई बर्फ होती है, तो वो क्या होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन कैसी होती है? ठोस, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा CO2। चलो बात करते हैं अम्लराज की। अम्लराज में इसका फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि अम्लराज में HCl, अम्लराज के अंदर HCl व HNO3 का रेशियो क्या रहता है? HCl व HNO3 का जो रेशियो है वो क्या रहता है? तो सिंपल सा आंसर है 3:1। HCl के कितने अणु? 3, और HNO3 का कितने अणु? 1, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो है CHCl3, ठीक है, आपको याद होगा। और अगर हम बात करें इसके रासायनिक नाम की तो होता है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए हॉर्न सिल्वर की बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में किसी शिफ्ट में ये पूछा गया था कि हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सा होता है AgCl, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का क्लोराइड जो है उसको हम हॉर्न सिल्वर कह के बुलाते हैं। अब बात करते हैं जल गैस और प्रोड्यूसर गैस की। तो प्यारे बच्चों, जल गैस में जो मिक्सचर होता है वो आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के अंदर कॉमन है, जल गैस में भी और प्रोड्यूसर गैस में भी, लेकिन जल गैस में याद रखना कि भैया हाइड्रोजन गैस मिक्स की जा रही है CO के साथ, और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन यूज़ की जाती है, ठीक है। चलिए याद कैसे कर लोगे? याद ऐसे ही कर लेना कि भाई जल में क्या चीज़ होती है? H2O, हाइड्रोजन होती है। तो सिंपल सी बात है, जल में CO के साथ H2 घोली जाएगी, ठीक है, और प्रोड्यूसर में क्या घोली जाएगी? नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए यूरिया की बात करते हैं। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो है कार्बामाइड, ठीक है। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो Na2CO, काफ़ी टाइम से आपको ये याद होगा, 9th से लेकर के अब तक याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं बालू, जिसको हम सैंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है उसको हम बालू बोलते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं भारी जल की, ठीक है, हैवी वाटर। तो हैवी वाटर क्या है आपका? ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। तो ड्यूटेरियम का हम शो करते हैं डी से, तो D2O क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं गैलेना की, तो गैलेना आपका सल्फाइड है लेड का, ठीक है, तो लेड का सल्फाइड यानी PbS, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अब तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो, और इनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अब तक ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। और फिलहाल में आपके JEE के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, और आगे NTPC आएगा, रेलवे ग्रुप डी आएगा, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लेना, वरना टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए फिटकरी की बात करते हैं, तो फिटकरी भी हमें 9th से लेकर अब तक याद है, ठीक है, सबको पता होगा। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। सिंपल सा है कि भाई पोटेशियम का भी सल्फेट है, एल्यूमिनियम का भी सल्फेट है, और जल के 24 अणु हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, अब बात करते हैं लिथार्ज की। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया गैलेना के बारे में। गैलेना क्या था जल्दी से बताओ? लेड का सल्फाइड था। लेड क्या है? Pb, तो वो था PbS। अब हम बात करने वाले हैं लेड के ऑक्साइड की, दैट इज PbO, ठीक है। तो ये है आपका लिथार्ज। अब हम बात करते हैं लाइम सोडा की, तो लाइम सोडा में आपका क्या है? कैल्शियम का ऑक्साइड और सोडियम का हाइड्रोक्साइड दोनों जब मिक्स होते हैं तो आपका लाइम सोडा बनाते हैं। CaO यानी कैल्शियम का ऑक्साइड है, और NaOH यानी सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, दोनों मिक्स करेंगे क्या बनाएंगे? लाइम सोडा। बात करते हैं गन पाउडर की, तो प्यारे बच्चों गन पाउडर में तीन चीज़ें मिक्स होती हैं। एक है KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। आगे क्या है? सल्फर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं गंधक, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? चारकोल। चारकोल क्या है? कार्बन का ही एक रूप है और काफी प्योर रूप है ये, ठीक है। चलो तो ये तीन चीजें मिक्स करके हम गन पाउडर बनाते हैं। आगे आ जाओ, सल्फर आपका जहां पर भी गन पाउडर यानी बारूद वाली बात होगी वहां पर सल्फर तो आएगा ही आएगा, और आपका नाइट्रेट भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, तो यहां पर जो नाइट्रेट यूज किया गया है वो पोटेशियम का यूज किया गया है, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं मास्टर केमिकल की। मास्टर केमिकल कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आपका जो मास्टर केमिकल है वो सिंपल आपको याद होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नहीं H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको हम मास्टर केमिकल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, जिसका नाम है म्यूरेटिक अम्ल, ध्यान से सुन लो, म्यूरेटिक अम्ल, और इसको हम नमक का अम्ल भी बोलते हैं। ये एक ही है, म्यूरेटिक अम्ल बोल दो या नमक का अम्ल बोल दो, ठीक है। और इसके अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो दैट इज HCl, ठीक है। रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फॉर्मूला हो जाएगा HCl, ठीक है। HCl के बारे में ध्यान से सुन लो, HCl की जो pH वैल्यू होती है वो 0 होती है, और आप जानते हैं जैसे जैसे pH वैल्यू 7 से नीचे की ओर घटती आती है, तो जैसे जैसे वैल्यू घटेगी pH की, ठीक है, तो वैसे वैसे जो अम्ल होगा वो बहुत ही क्या कहते हैं हैवी होता जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी की वैल्यू है pH वैल्यू किसी अम्ल की 6 है और यहाँ पर pH वैल्यू है 0, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि 0 pH वाला जो अम्ल होगा वो कितना हैवी होगा, स्ट्रोंग होगा, ठीक है। चलो H2SO4 की अगर हम pH वैल्यू की बात करते हैं वो अप्रोक्स 1 के बराबर होती है, तो ये भी बहुत ही स्ट्रोंग एसिड होते हैं दोनों। आगे आ जाओ भाई, आगे बात करते हैं संगमरमर, जिसे इंग्लिश में हम मार्बल बोलते हैं, अपने घरों में हम लगवाते हैं मार्बल, ठीक है, या फिर उसको हम खड़िया भी बोल देते हैं, तो वो आपका कार्बोनेट होता है कैल्शियम का, ठीक है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आसान सा क्वेश्चन है ये। तो कली चूने की हम बात करते हैं, कली चूना, बुझा चूना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कली चूना जो है वो कैल्शियम का ऑक्साइड है, ऊपर क्या था? कैल्शियम का कार्बोनेट था, नीचे कैल्शियम का ऑक्साइड है, दैट इज CaO, ठीक है। चलो जब हम कली चूने में क्या मिलाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो, अभी मैंने कली चूना बनाया बताया जो CaO है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, जब आप कैल्शियम के ऑक्साइड में पानी मिला देते हो H2O, तब आपको क्या मिलता है? तब आपको बुझा हुआ चूना मिलता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस आपको मिल जाएगा जब आप कली चूने में जल मिला दोगे H2O, ठीक है। चलिए बात करते हैं TNT, तो TNT की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटाइलिन, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, हमेशा TNT की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, फॉर्मूले पे फोकस मत करना। फॉर्मूला है CHS2CH3NO2 का होल थ्राइज, लेकिन ये पूछा नहीं गया अभी तक,
ठीक है, बात करने वाले हैं मार्स गैस की। तो मार्स गैस के नाम से जो फेमस है वो है मीथेन, और इसका फॉर्मूला होता है CH4। अब बात करते हैं सुहागा बोरेक्स। सुहागे को हम क्या बोलते हैं केमिकल नेम में, बोरेक्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो पूछा भी जाता है, और सुहागे का बोरेक्स भी पूछा जाता है, और बोरेक्स का फॉर्मूला, तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं रिपीट करके। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2B4O7 × 10H2O। तो 10 जो जल के 10 अणु हैं उनको तो आप अलग से याद कर लेना, मेन चीज़ क्या है आप ये चीज़ याद करो, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस थे, लगभग 40 से कुछ ज़्यादा होंगे, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। बस आपको कुछ नहीं करना, एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, सबसे बढ़िया रिवीजन होता है लिख के याद करना, ठीक है, उससे बढ़िया रिवीजन कभी नहीं हो सकता। तो लिख के याद करो, जब एक बार नोट बना लो, ठीक है, उसके बाद उस नोट में एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद अपनी रफ कॉपी लो, फिर से फेयर मत बनाना, रफ कॉपी उठाओ और रफ कॉपी में लिख के देखो। अगर आप रफ कॉपी में उन्हें लिख पा रहे हो तो आपको ये सारे याद हो गए हैं, ठीक है। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना। चलिए, जय हिंद।